वेलकम टू इंडियन गुरुकुल। आज है 7 सितंबर 2022 और 7 सितंबर से जुड़े सभी महत्वपूर्ण समसामयिकी का इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने किर्गिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति को अफगानिस्तान के लिए अपना नया विशेष दूत नियुक्त किया। अब किर्गिस्तान, इसकी कैपिटल जो है बिश्केक और करेंसी सोम है। वर्तमान में प्रेसिडेंट जो हैं सद्या जापरोव हैं। संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट अपडेट है, ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडस इंड बैंक ने आपूर्ति श्रृंखला के वित्त पोषण के लिए ADB के साथ समझौता किया। अब ADB की स्थापना 1966 में हुआ था और इसके जो हेडक्वार्टर है फिलीपींस में है। नेक्स्ट अपडेट है, भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। नेक्स्ट अपडेट है, डाबर रेड पेस्ट के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया तथा pokerbaazi.com के ब्रांड एम्बेसडर शाहिद कपूर हैं। गरुड़ एयरस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी और इंडो UK कल्चर प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर AR रहमान हैं। नेक्स्ट अपडेट, चीन सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन देने वाली दुनिया का पहला देश बना। चीन कैपिटल बीजिंग और करेंसी रेनमिनबी तथा वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। फुजियान नामक तीसरा विमान महत्वपूर्ण लॉन्च किया चीन ने और 14th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो होगा बीजिंग में होगा। ब्रिक्स इसका फुल फॉर्म है ब्राज़ील रूस इंडिया चाइना और साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट अपडेट है, ब्रिटेन के PM लीज ट्रस बने। नेक्स्ट, UP का भरतौल गांव हर घर RO जल वाला पहला गांव बना। नेक्स्ट अपडेट है, AAI ने UP सरकार के साथ समझौता। AAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अपडेट, स्वस्थ सबल भारत सम्मेलन का उद्घाटन डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया। नेक्स्ट, गुजरात के द्वारा राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रियों की सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। गुजरात जो है 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट, भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को नेपाल की सेना जनरल मानद पद प्रदान किया। नेपाल की जो कैपिटल है काठमांडू है और SAARC का हेडक्वार्टर भी काठमांडू में है। SAARC इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। क्रिकेटर मनोज प्रभाकर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया और नेपाल की जो संसद है उसका नाम राष्ट्रीय पंचायत है। नेक्स्ट अपडेट, संजय वर्मा कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त बने तथा विक्रम दोरईस्वामी को UK में भारत के उत्तर जो उच्चायुक्त हैं और नागेश सिंह को थाईलैंड में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। थैंक्स ऑल ऑफ यू।